बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर में ही बाजार जैसी अमेजिंग सी पूड़ी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है और जबरदस्ती ये पूड़ी आप ही घर में पहली बार ही बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अमेजिंग सी पूड़ी है जो की सॉफ्ट भी होगी और बहुत ही अमेजिंग होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। आए बिस्मिल्लाह से आगाज करते हुए पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बनानी है। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी मैदा जिसको पहले से ही छान लिया है। तो दो प्याली यानी दो कप मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। उसके बाद चक्की का आटा आधा कप जो कि नॉर्मल हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। साथ इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप हसब जरूरत हसब जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इन तमाम खुश्क अज्जा को अच्छे से हाथ की मदद से ही मिक्स कर लेंगे। इन अज्जा को मिक्स कर लेने के बाद पूड़ी को नरम रखने के लिए सबसे पहली टिप आती है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। तो पानी हम इस्तेमाल करेंगे इसको गूंदने के लिए। पानी का इस्तेमाल करना है लेकिन आपने पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पूड़ी है वो सॉफ्ट होगी और फुली फुली होगी। इस तरीके से हम पानी की मदद से इसको गूंद लेंगे। और अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसको अच्छे से पंच लगा लेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आराम से गूंद लेंगे। तो डो जो है देखिए सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद डो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। कोई भी चीज जो हम मैदे से बनाते हैं उसे रेस्ट देना बहुत अहम होता है। आटा गूंद लेने के बाद एक अच्छी सी बॉल बना लेंगे। बॉल बना के हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे का रेस्ट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पेड़े। तो जब पूड़े के पेड़े बनाए जाते हैं तो उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा रखा जाता है। हाथी हथेली पे ऑयल का इस्तेमाल करते हुए पेड़े बना लीजिए। यहाँ पे दूसरी टिप आती है खुश्के का इस्तेमाल अब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तो जिस जगह आपने पेड़े रखने हैं वो प्लेट या वो काउंटर उसको आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और पेड़ा बनाना है ऑयल का इस्तेमाल करते हुए। इस तरीके से देखिए मैंने काउंटर पे भी ऑयल अप्लाई किया है और पेड़े बनाने के लिए भी ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। पेड़े बनाकर तकरीबन इनको रेस्ट दे दीजिए 15 से 20 मिनट का, तो बहुत ही आला बात हो जाएगी। तो यहाँ पे पेड़े को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। काउंटर पे ले लीजिए कुकिंग ऑयल। खुश्के का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपकी पूड़ी को जबरदस्त बनाएगा और खस्ता पूड़ी बनेगी आपकी इससे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काउंटर पे ऑयल अप्लाई किया है। ऑयल अप्लाई कर लेने के बाद हाथ की मदद से इसको फैला लिया है। अगर आपके लिए मुश्किल है या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इसके लिए बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह हाथ की मदद से पूड़ी को बड़ा कर लीजिए, फैला लीजिए और इसको पतला रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी पतली है हमारे पास पूड़ी। अब हम इसको कढ़ाई में गरम ऑयल में डाल देंगे। तीसरी टिप आती है गरम ऑयल का इस्तेमाल। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए जिससे पूड़ी खस्ता भी होगी और फूलेगी भी और नरम भी रहेगी। देखिए बहुत ही एहतियात से आपने पूड़ी को यहाँ पे प्लेस करना है। माशाल्लाह देखिए पूड़ी का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। बस इसको बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, लाइट सा इसको हम कलर देंगे और फौरन से हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो किसी प्लेट में टिश्यू पेपर रख लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से देखिए कितनी जबरदस्त पूड़ी हमारे पास रेडी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड क्लिप है जिसमें अगर आप पूड़ी डालते हैं तो अगर इस तरीके से इशू आता है तो कोई मसला नहीं है, गरम ऑयल है, गरम ऑयल डालते ही फौरन से वो सेट हो जाएगी। देखिए पूड़ी की शेप भी खराब नहीं हुई, तो परेशानी की बात नहीं है। बहुत ही आसानी से आप घर में जबरदस्त खस्ता और नरम पूड़ी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये पूड़ियाँ रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ट्राई करें। मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में शेयर की हैं, उनको जरूर फॉलो करें। इससे आपकी रेसिपी अमेजिंग बनेगी, खराब भी नहीं होगी। बस आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। इस तरीके से पूड़ी बनाइए, चने के साथ इस्तेमाल कीजिए या फिर हलवे के साथ इस्तेमाल कीजिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।